आज हम हिंदी वसुंधरा पार्ट 8 वन का महत्व पढ़ेंगे। वन वन हमारे होते हैं जंगल, पेड़ पौधे, जिसमें काफी सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां जो है हमें प्राप्त होती है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विकास के लिए वनों का बहुत महत्व होता है। वनों से जहाँ हमें उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती है, वहीं कई अन्य आवश्यक जरूरतों की भी पूर्ति होती है, जैसे कागज बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों की खिड़की दरवाजों के लिए लकड़ियां, पशुओं को चारा, भूमि को उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाओं के लिए अनेकानेक जड़ी बूटियां आदि। आपको पता है किसी भी देश की जो वनस्पतियां होती हैं, जो वन होते हैं, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए वनों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि वनों से हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, वनस्पतियां मिलती हैं, भोजन मिलता है, जो क्या करती है किसी भी देश का आर्थिक विकास करती है। ठीक है, वन जो है मन से हमें क्या क्या मिलता है आपको बताया, हमें दवाइयां मिलती है, लकड़ी मिलती है, ठीक है, कागज बनाने के लिए लुगदी मिलती है, पशुओं को चारा मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, शुद्ध हवायु मिलती है, ये सारे फायदे जो है हमारे इसके हैं वनों के। इस प्रकार वन जहाँ एक और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, वहीं भूमि के कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करते हैं। आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वन होते हैं, वो जैसे एक तरीका जहाँ देश की समृद्धि के लिए वो जाने जाते हैं, देश की समृद्धि करते हैं, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, नदियों के कटाव में भी वो क्या करते हैं, समूह को संतुलित करते हैं, नदियों के प्रभाव को भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। नदियों का पानी जो है वो पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ों में सोख लेते हैं, वो पानी जो है बाहर बहता नहीं है बल्कि वो जमीन के अंदर ही रहता है। इससे नदियों में आने वाली बाढ़ भी नियंत्रित होती है और उनके किनारे बसे गांव वहां विनाश से बच जाते हैं। पेड़ और जो जंगल होते हैं, अगर किसी नदी से पानी जो है बाहर आ रहा है तो पेड़ क्या करते हैं, उसको अपनी जड़ों में सोख लेते हैं और वो पानी किसी में चला जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, और जो बाढ़ है और जो उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या होता है, बाढ़ से बच जाता है। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तानों को भी रोका जाता है। ठीक है, वनों के द्वारा क्या, बढ़ते फैलते जो रेगिस्तान है उनको भी रोका जाता है। वनों के सघन होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है। वनों के सघन होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी क्या होता है, अंकुश रहता है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत सघन होता है बेटा, घने, ठीक है, सघन मतलब घने होता है और अंकुश मतलब नियंत्रण, जलवायु का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। ईश्वर ने वनों के रूप में क्या दिया है, संसार को
टेबल लैंप, तश्तरियां, झालरे, फर्नीचर, मूर्तियां, बर्तन आदि, ये सारी चीजें चंदन की लकड़ी से बनाई जाती है। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं। आपको पता है वनों से प्राप्त होने वाले जो अन्य सहायक उपजो है, जो वनों से हमें प्राप्त हो रहा है, उससे क्या छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बेत, जड़ी बूटियां आदि के उद्योग जो है वो चलाए जा रहे हैं। इन वनों से कई तरह के तेल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें छालों और पत्तियों को पकाकर निकाला जाता है। इन वनों से हमें कई पेड़ों से हमें जो है तेल भी प्राप्त होता है, जो छाल और लकड़ी और पत्तों से को पकाकर निकाला जाता है। टोकरियां, बेत का फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी, बांधने के पत्ते, पत्थर, दाने आदि बनाने के लिए वनों पर ही निर्भर रहता है, है ना। आपको पता है बीड़ी वगैरह, बीड़ी बनाने के लिए पत्ते यूज होते हैं, पत्थे, पत्थर, अब गांव में आपको पता है पत्थर पे खाना खाते हैं, ठीक है, पत्थर की एक प्लेट बना के उसमें खाना खाया जाता है। दोने होते हैं ना, जो कागज के बने, वो भी पत्थर से बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिसपे हमें, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। इन वनों के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, और इन्हीं वनों से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, हमें नौकरियां मिलती है। वन वर्षा कराने में भी सहायक होती है, वर्षा होने से कृषि को लाभ पहुंचता है। वन जो है, अगर वन नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। बारिश होने का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो वनों का है। वर्षा होने से जो है कृषि है उसको भी लाभ पहुंचता है और फसलें अच्छी होती है। वृक्ष दूषित वायु को सोख लेते हैं और शुद्ध वायु को वातावरण में फैला देते हैं। आपको पता है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लोगों को क्या देते हैं, जिससे हम जो है शुद्ध हवा जो है ऑक्सीजन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र रहता है। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। वन आंधी, तूफान, गर्म और ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोककर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। आपको पता है जो वन है वो आंधी तूफानों को भी रोक देते हैं, गर्म ठंडी हवाओं को भी, ये भी प्रभाव से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं, जिससे जो जलवायु है वो कैसा क्या रहती है, जो वायुमंडल है वो कैसा रहता है, संतुलित रहता है। भारत सरकार ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का बीड़ा उठा रखा है। भारत सरकार जो है आए दिन नए नए जो है वो जागरूकता अभियान चलाती है, ठीक है, नए नए वनों के महत्व के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के कार्यक्रम जो है आयोजित करती है। इसे वह वन महोत्सव के नाम से पुकारते हैं, जिसमें काफी से उस दिन जो है काफी ज्यादा वन जो है वो सड़क के किनारे या ग्राउंड में, मैदान में लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागृत करना है कि वे अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को ना काटें और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। हरे वृक्षों को काटना कानूनी अपराध माना जाता है, इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो हम सजा के पात्र, हमें सजा हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है सरकार जो है वो लोगों को जागरूक करती है कि वनों को हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज जो है लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहे हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं, ठीक है। तो जो ठीक, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें चार पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें चार पेड़ लगाने चाहिए, तभी अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव है। ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना हमें खाना मिलेगा, ना, ठीक है, ना ही हमें आवास, ना ही हम जी पाएंगे। तो वनों को हमारे जीवन में क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमें वनों के महत्व को समझते हुए वनों की सुरक्षा में सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन हमारे संरक्षित पशुओं के घर भी है। आपको पता है पशु जो है ज्यादातर जो जानवर है वो जंगलों में ही रहते हैं, उनके घरों को उजाड़ने का हमें सरकार के द्वारा और मानवता के नाते कोई अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। हम किसी भी पशु जो है वो वनों में रहते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी के घर को उजाड़ दें, ठीक है, हमें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है।